हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 6 न्यू अपकमिंग बाइक्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि इंडियन टू व्हीलर मार्केट में 2 या 3 मंथ के अंदर लॉन्च होने वाली हैं, लाइक 2024 के अंदर ही। और मैं आपको बता दूं, इन बाइक्स का इंडियन टू व्हीलर मार्केट में काफ़ी टाइम से वेट किया जा रहा है। ये बाइक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंटरनेशनल मार्केट में, बिकॉज ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं। चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। दोस्तों, इस लिस्ट की फर्स्ट बाइक रहती है कावासाकी की तरफ से G125। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में कावासाकी की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट बाइक रह सकती है ये, स्मॉल सेगमेंट की बाइक है ये, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तो कावासाकी की ब्रांड देखने को मिलेगी, एंड यहाँ पर इस बाइक के अंदर आपको लुक, डिजाइन, स्टाइल काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव देखने को मिलेंगे। ये एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक रहने वाली है। इस बाइक के अराउंड प्राइस आपको 125cc के 1,40,000 के अराउंड देखने को मिलेंगे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। बाइक आपको देखने में ऐसी ही देखने को मिलेगी जो कि आप ऑफिशियल वीडियो में चेकआउट कर पा रहे होंगे। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये बाइक ऑलरेडी अवेलेबल है और इस बाइक का इंडियन टू व्हीलर मार्केट में कावासाकी के लवर काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। बाइक में आपको 125cc का सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर ऑफर करता है 15 HP की 10,000 RPM पर। एंड यहाँ पर आपको टॉर्क देखने को मिलेगा लाइक 11.7 न्यूटन मीटर का 7,700 RPM पर। बाइक में 6-speed गियरबॉक्स ट्रांसमिशन होंगे, तो नो डाउट इंजन में आपको रिफाइनमेंट और रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और ये बाइक माइलेज भी आपको काफ़ी अच्छा ऑफर करेगी। नो डाउट इस बाइक में आपको 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर का अप्रॉक्सीमेटली माइलेज देखने को मिलेगा। काफ़ी चौड़े टायर हैं और ये बाइक ड्यूअल चैनल ABS के साथ आएगी। राइडिंग करते समय आपको सेफ्टी का काफ़ी ख्याल रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर ड्यूअल चैनल ABS दिया गया है, चौड़े टायर दिए गए हैं, जो कि राइडिंग करते समय आपको रोड पर काफ़ी अच्छी ग्रिप ऑफर करेंगे। बाइक में इलेक्ट्रिकल फीचर्स काफी अच्छे हैं, ऑल LED लाइट्स का सेटअप है। इसमें एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें बाइक से रिलेटेड सारे बेसिक रिमाइंडर फीचर्स शो हो जाएंगे। डायमेंशंस बाइक के काफी अच्छे हैं, लाइक फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस बाइक की 11 लीटर की, एंड लाइट वेट बाइक है, 146 kg का कव वेट है, 815 mm की सीट हाइट है बाइक की, एंड 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। बाइक के फ्रंट में 37 mm के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे, एंड इस बाइक के रियर पार्ट में आपको मोनो सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। इस बाइक को डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं, इस बाइक का वेट कर सकते हैं, बाइक मार्केट में बहुत जल्द कावासाकी की तरफ से आने वाली है। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं, जो कि रहने वाली है दोस्तों हार्ले डेविडसन नाइट एस्टर। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में हार्ले डेविडसन नाइट एस्टर 440 का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस बाइक का इंडियन टू व्हीलर मार्केट में काफी टाइम से वेट भी किया जा रहा है। नो डाउट दोस्तों, ये बाइक अपनी इंस्पायर्ड हार्ले डेविडसन नाइट एस्टर 1000cc की जो प्रीमियम बाइक है, उस बाइक से ये बाइक इंस्पायर्ड रहने वाली है। बाइक में फीचर्स आपको हार्ले डेविडसन X440 की ही तरह देखने को मिलेंगे, बट उस बाइक से प्राइस बाइक के आपको कॉस्टली पड़ेंगे। बाइक में आपको ओवरऑल लुक्स, डिजाइन, स्टाइल सेम हार्ले डेविडसन की प्रीमियम बाइक नाइट एस्टर 1000cc की तरह देखने को मिलेंगे। इस बाइक का आप वेट कर सकते हैं इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। इस बाइक का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ओवरऑल बाइक ऑलमोस्ट रेडी टू लॉन्च है। इस बाइक का भी तो आप वेट कर सकते हैं, जो कि हार्ले डेविडसन की तरफ से आने वाली है, हार्ले डेविडसन नाइट एस्टर 440 के नाम से। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं, जो कि रहती है दोस्तों होंडा की तरफ से CV150R एक्स मोशन। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में ओवरऑल ये बाइक आपको नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ में देखने को मिल सकती है। जी हाँ, होंडा की CV150R एक्स मोशन आपको 2025 के जनवरी मंथ में देखने को मिल सकती है, बिकॉज आपको बताया कि होंडा की तरफ से एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में काफ़ी टाइम से लॉन्च नहीं किया गया है। और जो बाइक भी ऑलरेडी अवेलेबल है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में होंडा की तरफ से, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से 2025 में होंडा CB150R एक्स मोशन को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में रिवील करेगा। एंड इस बाइक के प्राइस आपको एक्सपेक्टेड 1,50,000 के अराउंड देखने को मिलेंगे। बाइक में आपको फीचर्स को लेकर एंड साथ ही लुक्स, डिजाइन, स्टाइल को लेकर एंड दोस्तों इंजन परफॉर्मेंस को लेकर कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी होंडा लवर इस बाइक का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि ये बाइक होंडा की तरफ से इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च की जाए। बाइक में आपको 150cc का सिंगल सिलेंडर DOSC लिक्विड कूल्ड 4-valve इंजन देखने को मिलता है, जो कि प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन है। मैक्सिमम पावर आपको एक्सपेक्टेड देखने को मिलेगी 20 HP की, एंड बाइक में आपको टॉर्क भी काफ़ी अच्छा ऑफर किया जाएगा। BS6 कंप्लायंट इंजन होगा ये, 5-speed गियरबॉक्स ट्रांसमिशन है, इसमें आपको 6-speed गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेंगे, जो कि इंजन को काफ़ी ज़्यादा रिलायबल और स्मूथ करेगा। एंड यहाँ पर बाइक में आपको मल्टीप्लेट बैट क्लच देखने को मिलेगा। अराउंड ये बाइक आपको 50 to 55 KMPL के अराउंड माइलेज ऑफर करेगी। बाइक में काफ़ी
वाले टायर ऑफर किए जाते हैं, जो कि लाइक इंडोनेशियन मार्केट में ये बाइक ऑलरेडी अवेलेबल है होंडा की तरफ से। इस बाइक में आपको 296 mm की सिंगल डिस्क प्लेट आपको फ्रंट में देखने को मिलेगी, 220 mm की रियर पार्ट में, और ये बाइक ड्यूअल चैनल ABS के साथ देखने को मिलेगी। फ्रंट का टायर 110/70 सेक्शन का होगा और रियर टायर 150/60 सेक्शन का होगा। दोनों ही टायर 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे। ऑल LED लाइट्स का सेटअप होगा बाइक में। फुल्ली डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल होगा एंड इस बाइक में आपको डायमेंशंस भी काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। ये बाइक आपको होंडा की डायमंड टाइप फ्रेम पर देखने को मिलेगी। रियर पार्ट में मोनोशॉक सस्पेंशन है, 41mm के टेलीस्कोपिक अपसाइड डाउन फ्रंट फोक देखने को मिलेंगे गोल्डन फिनिशिंग के साथ। ऑल LED लाइट्स का सेटअप है। एडवांस बाइक के अंदर आपको इंजन देखने को मिलेगा, इस बाइक का वेट कर सकते हैं, जो कि 2025 में आपको जनवरी के मंथ में देखने को मिल सकती है होंडा की तरफ से। और ऑलरेडी प्राइस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, 1,50,000 एक्स शोरूम इस बाइक के देखने को मिल सकते हैं। काफी अच्छी न्यू प्रीमियम इसमें आपको कलर स्कीम देखने को मिलेंगी। ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में एक अलग ही प्लेटफॉर्म सेट करेगी, बिकॉज इस बाइक का बहुत टाइम से इस बाइक का लोग वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं, जो कि रहती है अगेन कावासाकी की तरफ से 2024 कावासाकी की G500। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में ये बाइक ऑलमोस्ट रेडी टू लॉन्च ही है। अगर आप एक कोई सुपर बाइक बाय करने का सोच रहे हैं नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की, साथ ही कावासाकी की ब्रांड वैल्यू के साथ, तो दोस्तों कावासाकी की G500 आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रह सकती है। इस बाइक के अराउंड प्राइस आपको 6 या फिर 6,50,000 के अराउंड देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पर ये बाइक आपको इंडियन टू व्हीलर मार्केट में देखने को मिलेगी। इस बाइक में आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, कावासाकी की आपको ब्रांड वैल्यू देखने को मिलेगी, तो डिज़ाइन में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। एंड अगर हम बात करें बाइक की परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस बाइक में आपको 498cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिलेगा, जो कि मैक्सिमम पावर ऑफर करेगा 50.4 HP की 6,900 RPM पर। एंड इसमें आपको 44.1 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा 8,500 RPM पर। बाइक में एडवांस BS6 फेज 2 कंप्लायंट इंजन देखने को मिलेगा विद इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल के साथ। इसमें आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेंगे एंड ये बाइक आपको असिस्टेंस स्लीपर क्लच के साथ देखने को मिलेगी। बाइक बड़े आराम से आपको 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ऑफर करेगी, जो कि कंपनी क्लेम करती है, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा इस बात पे। ये बाइक आपको 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज डेफिनेटली ऑफर कर सकती है। बाइक में आपको फ्रंट और रियर दोनों में आपको काफ़ी अच्छी डुअल डिस्क प्लेट देखने को मिलेंगी। सिंगल डिस्क देखने को मिलेगी रियर पार्ट में एंड फ्रंट में डुअल डिस्क प्लेट देखने को मिलेगी 2-पिस्टन कैलिपर के साथ। ड्यूअल चैनल ABS के साथ बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम दिया गया है एंड काफ़ी चौड़े एंड बल्की टायर दिए गए हैं, रोड पर काफ़ी अच्छी ग्रिप ऑफर करेंगे। ऑल LED लाइट्स का सेटअप है बाइक में। आपको फुल्ली डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा। डायमेंशंस काफ़ी अच्छे हैं इस बाइक में। आपको 169 kg का कर्व वेट देखने को मिलेगा। फ्रंट में 41mm के टेलीस्कोपिक फोक विद राउंड डैम्पिंग एडजस्टेबल सस्पेंशन दिए गए एंड बाइक के रियर पार्ट में लिंक टाइप सस्पेंशन विद एडजस्टेबल रिबाउंड डैम्पिंग के साथ देखने को मिलेंगे। ये बाइक कावासाकी की तरफ से आपको डबल TV स्टील फ्रेम पर देखने को मिलेगी। कंसिडर कर सकते हैं इस बाइक को भी। ओके, बाकी दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट बाइक के बारे में। ये दो बाइक रहती हैं बनेली की तरफ से, बनेली लियोनसिनो 250 एंड बनेली 300 2S। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बनेली की काफ़ी अच्छी प्रीमियम बाइक अवेलेबल हैं, लेकिन बनेली लियोनसिनो 250 का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं लोग, और बनेली 300 2S ये काफ़ी अच्छी प्रीमियम बाइक है, जो कि ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बनेली लवर बनेली 300 2S का वेट कर रहे हैं। बाकी दोस्तों मैं इन दोनों बाइक्स के बारे में आपको बता दूं, ये बाइक भी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बनेली की तरफ से बहुत जल्द आपको 2024 के लास्ट मंथ में देखने को मिल सकती हैं। इन बाइक्स के अंदर आपको फीचर्स, लुक्स, डिजाइन, स्टाइल एज इट इज़ वैसे ही देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों इन बाइक के प्राइस थोड़े से कॉस्टली होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बनेली बाइक्स को मैन्युफैक्चर नहीं करती है। ये इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बाइक्स को इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करके इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च करती है, जिसकी वजह से इनकी दोनों ही बाइक्स जो आने वाली हैं उनके प्राइस आपको कॉस्टली देखने को मिलेंगे। परफॉर्मेंस, लुक्स, डिजाइन, स्टाइल आपको सेम एज इट इज़ वैसे ही देखने को मिलेगी, जो कि आपको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। बाकी लुक्स, डिजाइन, स्टाइल आपको इन दोनों में से किस बाइक का पसंद है, बनेली लियोनसिनो 250 का या फिर बनेली 300 2S का। बाकी पर्सनली मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे जो है बनेली 300 2S का लुक्स, डिजाइन, स्टाइल काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। प्राइस के बारे में आपको बताऊं तो दोस्तों इंडियन टू व्हीलर मार्केट में ये बाइक आपको एक्सपोर्ट चार्ज लगाने के बाद ये बाइक आपको अराउंड 3 लाख के अराउंड देखने को मिलेंगी दोनों की दोनों। ओके, एक्स शोरूम या फिर ऑन रोड भी पड़ सकती हैं, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ बनेली के ऊपर डिपेंड करती है कि ये बाइक का चार्ज कितना लगेगा इंटरनेशनल मार्केट से इंडियन टू व्हीलर मार्केट में आने में। बाकी दोस्तों ये कुछ बाइक्स थी जो कि इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बहुत जल्दी आने वाली हैं। इनमें से आप किस बाइक का वेट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर आप नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना। हम मिलते हैं आपसे अगले एक ऐसी ही न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।